नारद जी उसी विश्वास को लेकर आए, संतों ने उसी विश्वास से भेजा, वृंदावन में भक्ति आई, भक्ति मिली नारद जी को, पर संतों ने जैसा कहा वैसे रूप में नहीं मिली, रोती हुई बिलखती हुई मिली। भक्ति का ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं, वो जड़ हो गए, सुषुप्त हो गए, सुरत गए। आचार्य लोग कहते हैं कि वो मृत प्राय हो गए, मरे जैसे हो गए, और मुक्ति का तो सवाल ही नहीं है फिर, क्योंकि मुक्ति तो काम दासी का करती थी, अगर भक्ति ही रोने धोने में आ गई है, ऐसी परिस्थिति में आ गई है, तो कैसे मुक्ति कैसे अधीन रहे। मुक्ति ने अपना रास्ता पकड़ लिया, भक्ति अकेली पड़ गई, अपने पुत्रों के लिए रो रही। नारद जी अपने ध्येय को ढूंढते ढूंढते तीनों लोक 14 भवन के बाद में आज नारद जी वृंदावन पधारे, तब वृंदावन जी आते ही नारद जी ने देखा कि भक्ति दुखी है। भक्ति दुखी है का मतलब आप समझ लेना, भक्ति दुखी का मतलब यह है कि बिना वैराग्य के, बिना ज्ञान के जो भक्ति है वो ज्यादा खुश हो सकती नहीं है, वो बहुत दिन नहीं चलेगी। एक ही तुलसी का पौधा घर में होता है, उसमें रोज पानी चढ़ाते हैं लोग, बोलिए सारी जड़ गल गई तुलसी की, पर हमें क्या काम है, तुलसी गल जाओ सूख जाओ, पर हमें तो भक्ति करनी है, हमें तो पुण्य कमाना है। ज्ञान और वैराग्य अगर यहां होता है तो तुलसी हरी भरी और रोज बढ़ती रहती और पानी भी स्वीकार करती, पर रोज लोटा भर के पानी, रोज लोटा भर के पानी, रोज लोटा भर के पानी, अरे मिट्टी को सूखने दो, यथार्थ सेवा करो, यथार्थ सेवा करो, पानी दो, पर उसकी रखवाली भी तो करो, आचरण करो। तुलसी घर में तभी सुरक्षित रह सकती है जब घर में झूठ बोलने वाले लोग ना हो, जिस घर में झूठ बोलते वहां तो तुलसी हरी रहती सूख जावे। अच्छा लोग बड़े होशियार है महाराज, 20 रुपए की आवे फिर ले आओ, फिर झूठ रहता है, अच्छा सुधरेंगे नहीं, तुलसी बदलती रहेंगे, अच्छा कुछ नहीं करना है। जिस घर में तुलसी है उस घर में लहसुन प्याज का छोंक चलता नहीं है महाराज, यहां तो तुलसी की छाती पर बैठ के कच्ची प्याज खा रहे हैं महाराज। बोलो कच्ची प्याज काटते ही आंखें रोवे तो तुलसी कितनी रोवे महाराज, पर किसी को शर्म यहां है ही नहीं। तुलसी भी होना, प्याज भी होना, तुलसी भी होना, लहसुन भी होना, तुलसी भी होना, फ्रिज में अंडे भी होना, तुलसी भी होना, मदरा भी होना, तुलसी भी होना, गुटका भी होना, फिर तुलसी कैसे हरी भरी रहे ये तो बताओ। जब तुलसी को लक्ष्मी मानते हैं तो लक्ष्मी को लक्ष्मी की तरह रखोगे तब लक्ष्मी बचेगी ना, आप ही बताओ। अच्छा दो लोगों के बीच में 20 दो लोगों के बीच में 2000 का नोट आ जाए, आधा उसके आधा उसके, होगा क्या ये तो बताओ। दो लोग एक ही पैसा पे, एक ही रुपया पे दो लोग लड़ पड़े, दोनों के हाथा चांटी में रुपया का क्या होगा ये तो बताओ। रुपया नहीं रहेगा, फट जाएगा, वो कागज बन जाएगा, वो रद्दी बन जाएगा। ऐसे तुलसी केवल वृक्ष बन के रह गई है, पौधा बन के रह गई है।